हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फ्रॉम इंडिया एंड मैं हूं सोमाली। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे भोगेर खिचड़ी बनाया जाता है। भोगेर खिचड़ी मीन्स भगवान का प्रसाद। हम बेंगालीज जब भी हम पूजा करते हैं घर में तो इस रेसिपी को तो हम ज़रूर बनाते हैं, और कोई खास मौके पर भी इस रेसिपी को हम बनाते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं खाने में, और इस रेसिपी को आज मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी जैसे कि मैं बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे माँ ऐसे बनाते थे। बिल्कुल वही स्टेप्स आज मैं फॉलो करूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने लिए है 1 कप ऑफ गोविंद भोग राइस सोक्ड फॉर 30 मिनट्स। एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन एरोमेटिक राइस, इन बंगाली दिस इज कॉल्ड गोविंद भोग राइस। एंड दिस इज मूंग की दाल यानी कि येलो लिंटल, ये मैंने लिया है 1/2 कप। अभी मैं इस मूंग दाल को रोस्ट करूंगी और उसके बाद इसे भी भिगो के रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। हल्का लाल होने तक इसे मैंने फ्राई किया। अभी मैं इसे पानी में भिगो के रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। अभी मैं एक रोस्टेड मसाला बनाऊंगी और इसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून ऑफ होल क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून ऑफ सौंफ, 1/2 टीस्पून ऑफ होल कोरिएंडर सीड्स, 2 ड्राई रेड चिली, 3 से 4 ग्रीन कार्डमम्स, 3 से 4 क्लोव्स और छोटे छोटे 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स। अब ये सारी चीज़ों को मैं हल्के से रोस्ट करूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में एक पाउडर बना लूंगी। इसके अलावा भी मुझे चाहिए होल क्यूमिन सीड्स, कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन, ड्राई रेड चिलीज, बे लीफ। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर लिया है, 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर लिया है और सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड कोकोनट लिए है, 2 टेबल स्पून ऑफ रॉ पीनट्स लिए है। घी मैं यूज करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून, और घी तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं ऑयल यूज नहीं करूंगी, पूरा रेसिपी घी में होगा। और पानी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी घी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सारे होल स्पाइसेस, और इसके साथ साथ इसमें मैं चॉप कोकोनट भी ऐड कर दूंगी। ये कोकोनट लाल होने तक मैं इसे फ्राई करूंगी। अब इसमें ऐड करना है जिंजर। जिंजर ज्यादा जलना नहीं चाहिए तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो अभी मैं इसमें दाल और चावल दोनों ही एक साथ ऐड कर दूंगी। और अभी इसमें ऐड करना है सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, और अब इसे थोड़ा मिला लेते हैं। और अब इसमें पानी डालना है। और अभी ये जो मैंने रॉ पीनट्स लिए थे ये भी मैं ऐड कर दूंगी। और फिर इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में छोड़ना है जब तक कि ना चावल और दाल अच्छी तरह से पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो ऐसे एक मेटल के स्पैटुला से इसको ऐसे थोड़ा दबाना है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, उसके बाद ये जो रोस्टेड मसाला मैंने बनाई थी वो रोस्टेड मसाला,
और इसके साथ थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। अभी इसे हाई फ्लेम में रख के थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। तो ये जो खिचड़ी है ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए, तो मैं अभी गैस को ऑफ कर दूंगी। सो गाइज, मेरा आज का रेसिपी भोगेर खिचड़ी इज रेडी टू सर्व। इस रेसिपी को आप घर में ऐसे खाने के लिए भी बना सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई पूजा या ऐसा कोई फेस्टिवल्स हो तो उसमें इस रेसिपी को तो आप जरूर ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से और भी अच्छे अच्छे डिलीशियस रेसिपीज के लिए प्लीज फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।